हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अभय में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने वेबसाइट के लिए फ्री में टर्म्स एंड कंडीशन पेज और कॉन्टैक्ट अस कैसे पेज बना सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गूगल में आपको सिंपली लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन और ये सेकंड वाली वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने गेट स्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकिंग पॉलिसी या डिस्क्लेमर जो भी बनाना हो आप यहाँ से बना सकते हो। मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन बना के दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट के लिए बना रहे हो या फिर ऐप्स के लिए। तो मैं वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ तो मैं वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर ये बोल रहा है कि आपको व्हाट इज़ योर वेबसाइट यूआरएल। तो अपने आप अपने वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो। तो मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। तो अपने वेबसाइट का नाम देने के बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर वेबसाइट नेम। तो आप अपने वेबसाइट का नाम दे दो यहाँ पे। वेबसाइट का नाम देने के बाद ये पूछ रहा है एंड टाइप। तो आपकी वेबसाइट एक बिजनेस कंपनी, पोर्टफोलियो या फिर कॉरपोरेशन है या फिर आप एक इंडिविजुअल है। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपना इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। ये फिर पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से हो। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपसे स्टेट पूछ रहा है, मैं अपना स्टेट दे देता हूँ। मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव दैट टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं यहाँ पे वापस से अपना एक बार ईमेल एंटर करता हूँ। फिर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो जनरेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनके रेडी हो गया है। इस साइड आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन कैसा दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉगर में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे से ये HTML कोड कॉपी कर लेना होगा। फिर अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आके पेज सेक्शन में जाने के बाद न्यू पेज पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप HTML सेक्शन में जाएंगे और ये जो पुराना कोड है इसको आप डिलीट करके अभी वाले कोड को पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी करके यहाँ टाइटल में पेस्ट कर देंगे और आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उसको आपको जाके ओपन करना है। तो 50 सेकेंड का टाइमर आने के बाद आपका ये गूगल ड्राइव का नोट खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये वाला ऊपर जो कॉन्टैक्ट अस कोड 1 है ये इसको कॉपी करना है। आपको कंट्रोल सी से आप कॉपी करिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक काम नहीं करेगा। फिर ब्लॉगर में जाने के बाद आप थीम के सेक्शन पे जाएंगे, फिर एडिट HTML। फिर एडिट HTML के बाद यहाँ पे हेड के पास आप कर्सर लाके एक बार एंटर प्रेस करेंगे। फिर ऊपर कर्सर ले जाके आप उस कोड को पेस्ट कर देंगे। फिर आप सेव थीम कर देंगे। नेक्स्ट आपने पेज पे जाना है, फिर उसके बाद न्यू पेज पे लेना है। न्यू पेज लेने के बाद आप HTML में जाएंगे और फिर आप ये पुराना कोड को फिर से डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप अपने कॉन्टैक्ट अस के बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर कोड के इस कोड को पूरा कॉपी कर लेंगे। आप
कंट्रोल सी से, और फिर आप अपने ब्लॉगर में जाके HTML सेक्शन में जाके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से आप अपना ये पूरा फॉर्म वाला कोड कॉपी करना है स्टाइल तक, और आप फिर योर टेक्स्ट गोज हियर यहाँ पे आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कंपोज पे जाना है, तो आप देख रहे हैं कि ये इसका कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि HTML कलर कोड, ऐसा लिख के आप सर्च करेंगे। आप कोई सा भी वेबसाइट खोल सकते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर लूँगा, फिर मैं ब्लॉगर पे जाके यहाँ पे ये जो 444 बैकग्राउंड कलर है इसको यहाँ से मैं अपना इस कोड से रिप्लेस कर दूँगा, और यहाँ से टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर मैं यहाँ पे टाइटल दे दूंगा इसे कॉन्टैक्ट अस, और फिर मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। तो आपको कुछ इस तरह का वो कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।